दरभंगा लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर पुनः दोबारा अपना जीत दर्ज कराई। आपको बताते चले कि प्रमाण पत्र मिलने के बाद बाहर जब निकले तो मीडिया से मुखातिब होकर दी जानकारी। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी ललित यादव ने कहा कि मतदाता ने जो हमें प्यार दिया उसको हमेशा याद रखेंगे। पहले हम विधायक थे, अभी भी विधायक, लेकिन इस बार जो हम लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, अब हम दरभंगा का भी विकास करेंगे और आगे विकास करते रहेंगे। मतदाता ने जो हमें प्यार दिया है उसे हम सदा याद रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम में मैजिक हुआ है। वहीं आइए सुनाते हैं, दोनों नेताओं ने अपनी अपनी बातें बताई। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से, मनोज झा। देखिए, मतगणना का प्रक्रिया समाप्त हुआ है। आज जो दरभंगा संसदीय मतदाता मालिक का जो भी रुझान आया और जो भी उनका मत आया है मतगणना के पश्चात, हम लोग उसको स्वागत करते हैं और हम लोग जनता मालिक को आभार प्रकट करते हैं। जिन लोगों को लोग खदेड़ते रहा, कैंडिडेट किसी गांव में घूमा नहीं, और हम लोगों को फूल माला से इतना लाद दिया और दूसरे लोगों को कैंडिडेट को घूमने नहीं दिया, क्या क्या माला उनको पहनाया, किसी गांव में घूमे नहीं, किसी बूथ पर गए नहीं। हम लोग एक एक बूथ पर गए, हर एक ए टू जेड समाज के बीच गए और सारे समाज का इतना सम्मान और प्यार मिला और आशीर्वाद मिला, तो हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग 2 लाख से कम 2 लाख वोट से जीतेंगे। लेकिन जनता महान है, जनता मालिक का जो निर्णय है सर्वोपरि है और जनता मालिक का निर्णय का हम लोग सम्मान करते हैं। और हम लोग दरभंगा के हैं और चुनाव जीतते तब भी काम करते, चुनाव का मतगणना मालिक का जो जनता मालिक का जो रुझान और मतगणना के पश्चात जो मत प्रकाशित किया गया है, अभी अंतिम राउंड का नहीं हुआ है, लेकिन लगता है कि वो कुछ भी हो 5-10 हज़ार से नीचे ऊपर होगा, तो हम लोग अपना हार स्वीकार करते हैं और हम लोग मतदाता मालिक के बीच में रहेंगे और हम लोग काम करेंगे। पहले अपने ग्रामीण विधानसभा में काम करते थे, हम अभी विधायक हैं और विधायक तो रहेंगे ही। चुनाव में हम लोग लोकसभा चुनाव में हम लोगों को जनता मालिक ने फिर भी बहुत आशीर्वाद दिया है। पिछले बार जो चुनाव में हमारे गठबंधन को जो हमारे उम्मीदवार हैं उनसे ज़्यादा हम लोगों को, और जो उनका बढ़त था 268 का, उसको 1 लाख से ऊपर से हम लोग कम किया, लेकिन फिर भी 5 वोट से ही जीत है। यदि जीत उनकी हुई है तो हम उनको स्वागत करते हैं, हम उस जीत का सम्मान करते हैं और हम लोग भी उनको कहेंगे कि जिस तरह से पिछले 5 साल में जनता खदेड़ी है और जनता एम्स का मुद्दा अभी लटका हुआ है और दरभंगा का विकास नहीं हुआ, आगे आप विकास करिएगा, हम लोग भी अब सहयोग करेंगे, क्योंकि हम भी अब दरभंगा से चुनाव लड़े हैं तो अब मेरा भी कर्तव्य है। जीत हार तो होती रहती है चुनाव में, हम भी दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के जो हमारा संसदीय क्षेत्र है उस पर हम भी काम करेंगे। सर, जो हमसे बन पड़ेगा हम विकास का काम करेंगे। क्या रीजन रहा कि इस तरह का रिजल्ट आया, कमी कहाँ रह गई? देखिए, ये तो आप कह सकते हैं कि हम तो एक तरह से कहेंगे कि ये ईवीएम मैजिक है या मोदी मैजिक है, कोई मैजिक तो जरूर है, बिल्कुल, चाहे जो मैजिक है हम समीक्षा के बाद पूरे बात का हम बता सकते हैं, लेकिन मैजिक कोई जरूर है, मैजिक से आपको इनकार नहीं करिएगा। जो भी मैजिक, कैसा लगा जीतता आप बताइए? देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो मिथिला में विकास का काम हुआ है, यह जीत निश्चित रूप से उसी का परिणाम है और संपूर्ण मिथिला में एक एक सीट NDA गठबंधन हम लोग जीते हैं और यहाँ के जनता जनार्दन मतदाताओं को हम बधाई शुभकामना आभार प्रकट करते हैं। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को। दरभंगा की जनता को क्या कहेंगे? दरभंगा के जनता ने जो यह जीत दिलाई है उनको आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, जो विकास का काम मिथिला क्षेत्र में हुआ है
वह आगे बढ़ेगा और जो मिथिला के लोग दरभंगा संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने मुझ पर विश्वास किया है उस पर 100% खरा उतरने का प्रयास भरपूर करें।